रटनाकरस्तौ गृहं गृहिणी चापाद्योदयं किमपि भवति पुरुषोत्तमया अभिर्वां नैनपाहितमानसाय दत्तं मनः यदुपते तवमिदं गृहाण। हे परम पुरुष, तुम इस भुवन के निर्माण करता हो। यह भुवन अनेकानेक मणियों और रत्नों से भरा हुआ है। तब तुम्हें मेरे जैसे दीनजनों से क्या कुछ अपेक्षा हो सकती है? संभवता नहीं होगी। सभी मणियों, सभी रत्न, सभी कुछ और संसार की संपूर्ण धन संपत्ति तुम्हारी ही। महामाया तुम्हारी गृहिणी है और वह स्वयं तुम्हारी इच्छा होने से सब कुछ कर दे सकती है। नागपुर में तुम कहो कि मुझे आम चाहिए तो वे तुरंत उसको अपलोड कर सकेंगे। महामाया तुम्हारी पत्नी है, अतः तुम्हारे पास किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं हो सकती, अतः मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? किंतु मैंने सुना है कि तुम्हारे बहुत बड़े भक्तों ने अपनी सबला भक्ति और प्रेम के द्वारा तुम्हारा मन तुमसे छीन लिया है। मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ नहीं, बड़े भक्तों ने तो तुम्हारा मन ले ही लिया है। अतः तुम्हारा मन खो गया है। तुम्हारे पास एक वस्तु की कमी हो गई है और वह है मन। किंतु तुम्हें निराश होने की नहीं होना चाहिए। मेरे पास मन है, मैं उसे ही समर्पित कर रहा हूँ। तब धर्मगुरु, तुम मेरे समर्पित सब कुछ मेरे सहित तुम्हारे से चरणों में समर्पित है। कृपा करके रात उसे स्वीकार कर लो। पटना, 4 अक्टूबर 1967। प्रभु।